तो चलिए भाई करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता? ठीक है, इनमें से कौन सी धातु को चाकू द्वारा आसानी से नहीं काटा जा सकता है? अब देखो, ए ऑप्शन है यहाँ पे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम सही हो जाएगा भाई। क्यों होगा? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है एक क्या होती है भाई, कठोर धातु होती है। क्या होती है? कठोर धातु होती है। उसके बाद में है सोडियम, तो सोडियम जो है ये मुलायम धातु होती है। पोटेशियम जो है, पोटेशियम भी मुलायम धातु होती है। और लिथियम जो है ये भी क्या होता है भाई, मुलायम धातु होती है। ठीक है, तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तीनों मुलायम धातु होती है, जबकि जो एल्यूमिनियम है ये एक कठोर, यह एक कठोर धातु है, कठोर धातु है, इसीलिए इसको चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता है। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? अब यहाँ पे देखो, ए ऑप्शन है यहाँ पे सोडियम, तो सोडियम नहीं होगा भाई। सी ऑप्शन है यहाँ पे कैल्शियम, कैल्शियम भी नहीं होगा। उसके बाद में बी ऑप्शन क्या है यहाँ पे, पोटेशियम, तो पोटेशियम भी नहीं होगा। अब यहाँ पे है डी ऑप्शन में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम प्रति क्या होता है इसका, AL होता है, वायु की उपस्थिति में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Al2O3 की रक्षात्मक सतह बना लेती है। क्या करती है? रक्षात्मक सतह बना लेती है। ठीक है, उसके बाद में यही कारण है कि एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम जल से क्रिया नहीं करती, नहीं करती है। ठीक है, तो इनमें से धातु जो है ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, तो वो कौन सी धातु है भाई, एल्यूमिनियम। ठीक है, डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? अब ए ऑप्शन है यहां पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बिल्कुल सही है। यहां पे है लोहा, लोहा नहीं होगा भाई, कैल्शियम भी नहीं होगा और सोडियम भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बिल्कुल सही है भाई। भूपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है, एल्यूमिनियम होती है। तो ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु है, इनमें से कौन सा धातु पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु होता है? अब ए ऑप्शन यहां पे सीसा, तो सीसा नहीं है भाई, कॉपर भी नहीं है। ठीक है, एल्यूमिनियम सही है, जस्ता भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर होगा इसका एल्यूमिनियम। ठीक है, तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी होती है, एल्यूमिनियम होती है। ठीक है,
और इस एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? 13 होता है। ठीक है, कितना होता है? 13 होता है। तो बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है। एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की एक मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है। अब ए ऑप्शन यहां पे एनिडोकरण, ठीक है, ए ऑप्शन क्या है? एनिडोकरण। तो एनिडोकरण बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। बी ऑप्शन है चादर लगाना नहीं होगा, आस्तरण भी नहीं होगा और परिरक्षण भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एल्यूमिनियम धातु की सतह पर ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनिडो या फिर एनोडीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में एनोड के रूप में एल्यूमिनियम तथा कैथोड के रूप में लेड धातु को लेकर उसे तनु अम्ल से युक्त पात्र में रखा जाता है। क्लियर है? तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं की जा सकती है? अब ए ऑप्शन है यहां पे ZN, ZN नहीं होगा भाई। ठीक है, उसके बाद में है HG, HG भी नहीं होगा। उसके बाद में सी ऑप्शन है PB, PB भी नहीं होगा। उसके बाद में डी ऑप्शन यहां पे AL, AL बिल्कुल सही हो जाएगा। AL का मतलब क्या होता है? AL का मतलब होता है एल्यूमिनियम, क्योंकि किसका प्रतीक होता है AL? एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता है। एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण विद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा एल्यूनिमा से किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है? अब ए ऑप्शन है यहां पे सल्फर, तो सल्फर नहीं होगा भाई, कार्बन भी नहीं होगा और कोयला भी नहीं होगा भाई, यहां पे होगा हमारा एल्यूमिनियम। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र है यहां पे Al2SO4 द्वारा व्यक्त किया जाता है? ठीक है, तो वो कौन सा होता है भाई? तो वो हो जाएगा हमारा एल्यूमिनियम। कौन सा होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। कौन सा होगा? एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट हमारे कौन सी ऑप्शन में है भाई? सी ऑप्शन में है। कौन सी ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या होगा इसका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? ठीक है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए इनमें से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? ठीक है, वो करेगी यहां पे एल्यूमिनियम के साथ में। ए ऑप्शन क्या है इसका? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम इसका सही आंसर हो जाएगा। कॉपर नहीं होगा, सिल्वर भी नहीं होगा और लेड भी नहीं होगा भैया ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, एल्यूमिनियम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एनिडोकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। तो बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किया था। ठीक है, तो यहां पे क्या कहलाएगा भाई? एनिडीकरण कहलाती है। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? बताइए भाई। अब ए ऑप्शन यहां पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नहीं होगा।
ठीक है, सीसा भी नहीं होगा भाई, चांदी हो जाएगा और जस्ता भी नहीं होगा। ठीक है, तो इनमें से उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, वो कौन सी होती है भाई? चांदी होती है। चांदी का प्रतीक क्या होता है? एजी होता है। चांदी का दूसरा नाम क्या होता है? तो सिल्वर होता है। क्या होता है? सिल्वर। ठीक है, कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए जी प्लस और सी आई माइनस के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या है? ठीक है, देखो किसके लिए पूछा है, ए जी प्लस, ठीक है, सी एल माइनस, तो यहां से ये बनेगा ए जी सी एल। क्या बनेगा? ए जी सी एल। ठीक है, तो इसका संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक, बनने वाला यौगिक क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा सिल्वर क्लोराइड कहलाएगा। सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा होगा? तो यहां पे सिल्वर क्लोरेट नहीं होगा, आर्गन क्लोरेट भी नहीं होगा, सिल्वर क्लोराइड बिल्कुल सही हो जाएगा, और यहां पे आर्गोन क्लोराइड नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहां पे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले दो रसायन कौन से हैं? बताओ भाई, दो रसायन कौन से हैं? अब दो रसायन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है AgCl। कौन सा होता है? AgCl। AgCl का मतलब क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, एक होता है AgBr। इसका अर्थ क्या होता है? सिल्वर, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा भाई? यहां पे हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन सा होगा? बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ में निम्नलिखित धातु में से किन धातुओं के यौगिकों का उपयोग किया जा सकता है? ठीक है, अब ए ऑप्शन है यहां पे एजी, बिल्कुल सही हो जाएगा। एजी का मतलब क्या होता है भाई? एजी का मतलब होता है चांदी। इसका प्रतीक होता है एजी, चांदी का। चांदी का अर्थ क्या होता है भाई? सिल्वर। क्या होता है? सिल्वर होता है, और इसका प्रतीक क्या होता है भाई? एजी होता है। यहां पे बी ऑप्शन में है यहां पे सीयू, तो सीयू किसका होता है भाई? कॉपर का। किसका होता है? कॉपर का होता है। एएल किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। किसका होता है? एल्यूमिनियम होता है। एयू किसका होता है? ये होता है भाई सोने का। किसका होता है? सोने का होता है। तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन यहां पे सही होगा भाई। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु के यौगिकों का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्रामी में किया जाता है? ठीक है, अब ए ऑप्शन यहां पे क्या है? सीयू। ए ऑप्शन क्या है? सीयू। सीयू का मतलब क्या होता है? यहां पे होता है कॉपर। कॉपर का अर्थ क्या होता है भाई? तांबा। क्या होता है? तांबा होता है। तो तांबा नहीं होगा भाई। बी है यहां पे एजी। एजी का मतलब क्या होता है भाई? सिल्वर। और सिल्वर का अर्थ क्या होता है भाई? चांदी होता है। चांदी का प्रतीक क्या होता है? एजी होता है। यहां पे है एएल, ये किसका होता है भाई? एल्यूमिनियम का होता है। किसका होता है? एल्यूमिनियम का।
एयू किसका होता है? ये होता है भाई सोने का। किसका होता है? सोने का होता है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किया था, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है, इनमें से कौन सा धातु प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाता है? अब ए ऑप्शन क्या है यहाँ पे? एजी। तो एजी इसका बिल्कुल सही होगा। एजी का मतलब क्या होता है भाई? चांदी होता है, सिल्वर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एजी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी फोटो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है? अब देखो, ए ऑप्शन है यहां पे है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम नहीं होगा, पारा भी नहीं होगा भाई, ठीक है? उसके बाद में है यहां पे रजत। रजत बिल्कुल सही होगा, और प्लेटिनम भी नहीं होगा। देखो, रजत का मतलब क्या होता है? रजत का मतलब होता है चांदी। क्या होता है? चांदी होता है। चांदी का दूसरा नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है भाई सिल्वर, ठीक है? रजत भी इसी को बोलते हैं, और इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है भाई? एजी होता है। क्लियर है? तो बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट यानी नोबेल धातु है? अब ए ऑप्शन है यहां पे लोहा, तो लोहा नहीं होगा, ठीक है? लोहा नहीं होगा। बी ऑप्शन है यहाँ पे चांदी। चांदी बिल्कुल सही है। उसके बाद में है कांस्य, तो ये भी नहीं होगा, और एल्यूमिनियम भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? बी ऑप्शन हो जाएगा, चांदी। अगला क्वेश्चन करते हैं, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? किस रंग का हो जाता है भाई? भूरे रंग का हो जाता है। तो किसके कारण होता है? तो देखो, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो फोटोलिटिक अपघटन अभिक्रिया होती है, जिसके कारण सिल्वर क्लोराइड, ठीक है? सिल्वर क्लोराइड का मतलब क्या हो गया? AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है? उसके बाद में सिल्वर धातु। सिल्वर धातु का मतलब क्या हो गया भाई? Ag, सिल्वर धातु। और क्लोरीन, क्लोरीन का मतलब क्या हो गया भाई? Cl, ठीक है? में टूट जाता है। इसी कारण से इसका जो रंग होता है वो कैसा? भूरा, ठीक है? कैसा हो जाता है भाई? भूरा हो जाता है। तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? तो यहां पे हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है? निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक होती है? तो वो होती है भाई अपने पास में एजी। कौन सी होती है? एजी। एजी का मतलब क्या होता है भाई? चांदी। चांदी का मतलब क्या होता है? सिल्वर। क्या होता है? सिल्वर होता है। तो सबसे अच्छी चालकता किसकी होती है? वो किसकी होती है भाई? चांदी की होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है? चालकता के आधार पे अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे अच्छी चालकता किसकी होती है, तो वो किसकी होती है? चांदी की होती है, ठीक है? चांदी का अगर मैं पूछूं कि बताओ इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई इसका? 47 होता है। कितना होता है? 47 होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब क्या बनता है? ठीक है, तब क्या बनता है? ठीक है, अब ए ऑप्शन है सल्फाइड बनता है, नहीं बनता है, ठीक है? यहां पे सी ऑप्शन है क्लोरीन गैस बनती है, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन है आयोडीन गैस बनती है, नहीं बनती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रोमीन गैस बनती है। कौन सी गैस बनती है? ब्रोमीन गैस बनती है। बिल्कुल डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है? जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब ब्रोमीन गैस बनती है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु होती है, यह हेलोजन समूह का सदस्य होता है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है भाई? 3-5 होती है। क्या होती है? 3-5 यानी 35 होती है, ठीक है?
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? ठीक है, आघात वर्धनीय है। अब ए ऑप्शन है, यहां पे देखो एन ए, एन ए नहीं होती है, जेड एन भी नहीं होती है, और ए एल भी नहीं होती है, ए जी हो जाएगा। ए जी का मतलब क्या होता है? ए जी का मतलब होता है चांदी। क्या होता है? चांदी। वैसे यहां पे होना चाहिए था ए यू। क्या होना चाहिए था भाई? ए यू, क्योंकि आघात वर्धनीय के लिए पूछा है, तो आघात वर्धनीय जो होती है सबसे अधिक किसकी होती है? ए यू की होती है। ए यू का मतलब क्या होता है? सोना होता है। ठीक है, सोने को सुवर्ण भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? स्वर्ण या फिर गोल्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो आघात वर्धनीय जो है सबसे अधिक किसमें होती है? जैसे सोने में होती है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे प्राथमिकता किसको देंगे भाई? एजी को देंगे। एजी का मतलब क्या होता है? चांदी होता है, सिल्वर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी यानी सिल्वर के गहने काले पड़ जाते हैं, क्योंकि अब देखो ए ऑप्शन है यहाँ पे, चांदी वायु में मौजूद कार्बन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर कार्बाइड बना देती है, तो ये नहीं होगा भाई, ए ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन देखो, चांदी वायु में मौजूद नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर नाइट्राइड बना देती है, तो यह भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है, चांदी वायु में मौजूद सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना देती है, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही है। और डी ऑप्शन है, चांदी वायु में मौजूद हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर हाइड्राइड बना देती है, तो यह भी नहीं होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है? ठीक है, चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने पर काली पड़ जाती है? ठीक है, तो यहां पे है जस्ता, जस्ता नहीं होगा, कार्बन भी नहीं होगा, और मैग्नीशियम भी नहीं होगा भाई। इसका जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या है भाई? गंधक। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चांदी जो है एक तो वायु में उपस्थित सल्फर यानी गंधक के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना देती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? गंधक हो जाएगा। ठीक है, गंधक या फिर इसको सल्फर भी कह सकते हैं। क्लियर है? निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ठीक है, यानी इनमें से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? अब ए ऑप्शन है यहां पे सोडियम, तो सोडियम जो है यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। उसके बाद में है पोटेशियम, तो पोटेशियम भी मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। उसके बाद में है बी ऑप्शन यहां पे सोना, सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो ये यहां पे सही हो जाएगा। और कैल्शियम, कैल्शियम भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो सोडियम है, सोडियम का प्रतीक क्या होता है? सोडियम का जो प्रतीक होता है वो होता है Na। क्या होता है? Na। पोटेशियम का क्या होता है? पोटेशियम का होता है K। सोने का क्या होता है? सोने का होता है Au। क्या होता है? Au होता है। और कैल्शियम का क्या होता है भाई? कैल्शियम का होता है Ca। क्या होता है? Ca होता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो वो कौन सी है भाई? सोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? इनमें से आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? ठीक है, अब ए ऑप्शन है यहां पे सिल्वर। अब सिल्वर भी सही है, लेकिन ऑप्शन को देखना पड़ेगा चारों को। यहां पे है एल्यूमिनियम, यहां पे है गोल्ड, और यहां पे है कॉपर। देखो ए ऑप्शन क्या है यहां पे? सिल्वर। सिल्वर का मतलब क्या होता है? सिल्वर का मतलब होता है चांदी। क्या होता है? चांदी होता है। ठीक है, इसके अंदर भी आघात वर्धनीय का गुण होता है, लेकिन सोने से कम होता है। यहां पे है गोल्ड, गोल्ड का मतलब क्या होता है भाई? सोना। क्या होता है? सोना होता है। तो सोने में जो आघात वर्धनीय का जो गुण होता है वो सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गोल्ड। गोल्ड का मतलब क्या होता है? सोना होता है। तो आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? तो वो हो जाएगी हमारी गोल्ड हो जाएगी भाई, सोना हो जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है, इनमें से किसे ओरम कहा जाता है। अब ए ऑप्शन है यहां पे कांसा, क्या है भाई कांसा, तो कांसा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में यहां पे है चांदी, तो चांदी को क्या बोलते हैं, सिल्वर, सिल्वर या फिर इसको क्या बोलते हैं, रजत, ठीक है। उसके बाद में बी ऑप्शन है यहां पे सोना, सोने को सुवर्ण बोलते हैं, ठीक है। सोने का मतलब क्या होता है, गोल्ड होता है, सोने को ओरम भी कहा जाता है, सोने को ओरम भी कहा जाता है। बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहां पे तांबा, तो तांबा का मतलब क्या होता है, तांबा का मतलब होता है कॉपर होता है, क्या होता है, कॉपर होता है। तो ओरम, ओरम जो है वो सोना का लेटिन नाम होता है भाई, क्या होता है, लेटिन नाम होता है। सुवर्ण, सुवर्ण जो है सोना, यानी इसका प्रतीक क्या होता है, AU होता है, ठीक है। और सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है, क्वेश्चन पूछे कि सोने का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है 79। क्लियर है, तो यहां पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे तन्य धातु कौन सी होती है, ठीक है, सबसे तन्य धातु कौन सी है। अब यहां पे है Cu, Cu का मतलब क्या होता है, Cu का मतलब होता है कि कॉपर, क्या होता है, कॉपर होता है। यहां पे है Au, Au का मतलब क्या होता है, सोना, क्या होता है भाई, सोना होता है। Al का मतलब क्या होता है, तो Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम, क्या होता है, एल्यूमिनियम। और यहां पे है Ag, Ag का मतलब क्या होता है भाई, चांदी होता है, क्या होता है, चांदी होता है, यानी सिल्वर होता है, ठीक है। तो सबसे तन्य धातु कौन सी होती है, तो वो होती है Au, Au का मतलब क्या होता है भाई, सोना होता है, ठीक है। तो तन्यता गुण सबसे ज्यादा किसमें होता है, सोने में होता है, तो सी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न या असंगत को चुने, निम्न में से भिन्न या असंगत को चुने। अब यहां पे है अक्वामरीन, ठीक है, बी ऑप्शन है टोपाज, सी ऑप्शन है यहां पे माणिक, और डी ऑप्शन यहां पे सोना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा भाई सोना, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सोना जो है प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है, इसलिए हमारा यहां पे कौन सा होगा भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोना। क्लियर है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी आघात वर्धनीयता अधिकतम है, ठीक है। तो ये अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था, तो किसकी होती है, सोने की। सोना का मतलब क्या होता है भाई, गोल्ड होता है, ठीक है। तो सोना हमारे ए ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किया था, ठीक है, लेकिन वो अलग एग्जाम में पूछा गया था और ये अलग एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोना निम्न में से किसमें घुलनशील है, सोना इनमें से किसमें घुलनशील है। अब ए ऑप्शन है यहां पे चांदी, तो चांदी में नहीं होगा भाई, ठीक है, लोहा में भी नहीं होगा और पारा में भी नहीं होगा, ठीक है। यहां पे है वा रेजिया, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे सोना एक बारे जिया, यानी अम्लराज में घुलनशील है,
दूसरा पॉइंट देखो, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल, ठीक है, एच सी एल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल यानी एच एन ओ थ्री का 3:1 के अनुपात में बनाया गया ताजा मिश्रण क्या कहलाता है? एक बार ये जिया कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? यहां पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिकतम तन्य धातु है, सबसे अधिकतम तन्य धातु है, तो सबसे अधिकतम तन्य धातु कौन सी होती है? तो वो होती है भाई सोना। कौन सी होती है? सोना। सोना का प्रतीक क्या होता है? एयू होता है। कौन सा होता है? एयू होता है। तो एयू हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई? सी ऑप्शन है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? अब ए ऑप्शन है यहां पे लिक्कर अमोनिया, तो लिक्कर अमोनिया नहीं होगा भाई। ठीक है, बी ऑप्शन है यहां पे नेस्लर का अभिकर्मक, तो यह भी नहीं होगा भाई। एरोसोल, एरोसोल भी नहीं होगा। उसके बाद में यहां पे एक्वारेजिया, एक्वारेजिया बिल्कुल सही होगा भाई। इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे मैं लिखवा देता हूं आपको, सोना प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। दूसरा देखो, इसका निष्कर्षण मुख्यतः केल्वेराइट, केल्वेराइट और सिल्वेनाइट, सिल्वेनाइट अयस्क से किया जाता है, से किया जाता है। ठीक है, यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो सोना प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। इसका निष्कर्षण मुख्य केल्वेराइट और सिल्वेनाइट अयस्क से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में यह एक कोमल आघात वर्धक और तन्य चमकदार पीले रंग की धातु होती है, जो ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, एक बार ये जिया यानी अम्लराज का उपयोग सोने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ठीक है,
और यह तीन भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और एक भाग नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का मिश्रण होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रासायनिक सूत्र K2SO4 को निरूपित करता है। अब बताओ भाई किसको करता है। अब यहां पे ए ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट नहीं होगा भाई। बी ऑप्शन यहां पे पोटेशियम क्लोराइड भी नहीं होगा। उसके बाद में है पोटेशियम सल्फेट, बिल्कुल सही है, और एल्यूमिनियम सल्फेट, ये भी नहीं होगा भाई। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? पोटेशियम सल्फेट होगा। ठीक है, क्या होगा? पोटेशियम सल्फेट होगा। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र K2SO4 होता है। क्लियर है? तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहां पे सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है, यानी इनमें से कौन सी धातुएं ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है। अब ए ऑप्शन है यहां पे पोटेशियम, तो पोटेशियम सही होगा भाई। यहां पे है जस्ता नहीं होगा, एल्यूमिनियम नहीं होगा और लोहा भी नहीं होगा। यहां पे सही आंसर कौन सा होगा हमारा? पोटेशियम होगा। ठीक है, तो यहां पे समूह है 1A के तत्व, एक सेकंड, ये तत्व ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, समूह है 1A के तत्व लिथियम लिथियम सोडियम सोडियम के बाद पोटेशियम पोटेशियम के बाद में रूबिडियम और उसके बाद में है सीजियम। सीजियम है, ठीक है। ये सभी धातुएं ठंडे पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द केलियम से बना है? ठीक है, किसका रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द केलियम से बना है, बताओ भाई। अब ए ऑप्शन है यहां पे अर्जेंटम, तो अर्जेंटम नहीं होगा भाई। ठीक है, उसके बाद में क्या है? वुल्फ्रेम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में स्टेनम, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में पोटेशियम हो जाएगा भाई। सही आंसर क्या होगा इसका? पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है? तो इसका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? प्रतीक होता है इसका के होता है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसका प्रतीक क्या होता है तो के होता है। तो पोटेशियम का लेटिन शब्द क्या कहलाता है? केलियम कहलाता है। ठीक है, डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जल शोधन के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन में यहां पे सिरका का नहीं होता है, बेकिंग सोडा का भी नहीं होता है, उसके बाद में है टार्ट्रिक एसिड का भी नहीं होता है, यहां पे होता है भाई एलम का। किसका होता है? एलम का होता है।
देखो फिट करी या एलम, ठीक है, फिट करी या एलम, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो यहां पे देखो इसका रासायनिक नाम पोटेशियम पोटेशियम एल्यूमिनियम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, और यहां पे K2SO4, ठीक है, Al2, उसके बाद में SO4 3, उसके बाद में 2 4 H2O, ठीक है, उसके बाद में इसका उपयोग रक्त प्रवाह को रोकने, कागज एवं चमड़ा उद्योग तथा जल के शोधन में किया जाता है, ठीक है, तो यहां पे हमारा एलम यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है, इनमें से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है। अब ए ऑप्शन है यहां पे एल्यूमिनियम, क्या है, ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम इसका नहीं होगा भाई, ठीक है, यहां पे है जिंक, जिंक भी नहीं होगा और लेड भी नहीं होगा भाई, सही आंसर हो जाएगा इसका पोटेशियम, कौन सा होगा, पोटेशियम होगा, ठीक है, क्योंकि पोटेशियम धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है, इसलिए यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा भाई, यहां पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पोटेशियम। क्लियर है, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है फिटकरी इसका एक उदाहरण है, यानी जो फिटकरी है किसका उदाहरण होती है। अब यहां पे है दवी कवलन, ठीक है, तो यहां पे यह सही हो जाएगा। बी ऑप्शन है टेबल साल्ट नहीं होगा, एकल लवण भी नहीं होगा और फ्लेक साल्ट भी नहीं होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इसका हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो फिटकरी का रासायनिक नाम क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट है, ठीक है, तो पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट द्वि लवण है, इसे पोटास फिटकरी या फिर पोटास एलम भी कहा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूल सूत्र क्या है, किसका पूछा है भाई, पोटेशियम नाइट्रेट का, तो पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3 क्या होता है, इसका KNO3 KON यहां पे ए ऑप्शन में है भाई, KNO3 कौन से ऑप्शन में है, हमारे ए ऑप्शन में है, इसीलिए हमारा यहां पे कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसे सोरा, इसे सोरा या सोल्ट पिटर भी कहते हैं।
ठीक है, और इसका उपयोग विस्फोटक तथा उर्वरक में या उर्वरक के रूप में होता है। ठीक है, तो यहां पे पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूल सूत्र यहां पे कौन सा होगा, यहां पे ए ऑप्शन हो जाएगा KNO3। ठीक है, और यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहां से मैंने आपको बता दिया है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है, इनमें से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है। अब यहां पे ए ऑप्शन है, यहां पे गोल्ड, ठीक है, गोल्ड नहीं होगा भाई, ठीक है, आयरन भी नहीं होगा, पोटेशियम सही होगा और सिल्वर भी नहीं होगा। ठीक है, यहां पे कौन सा होगा, यहां पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, तो इसका प्रतीक जो होता है वो क्या होता है भाई, के होता है। इसकी परमाणु क्रमांक, की बात करें तो बताओ कितना होता है, तो वो होता है भाई 19 होता है। परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या कितनी होती है, 19 होती है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले कि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो भाई 19 होता है। प्रतीक क्या होता है, तो प्रतीक होता है इसका के होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है, जल के शुद्धिकरण के लिए किया जा सकता है, बताओ भाई। अब देखो ए ऑप्शन है यहां पे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन नहीं होगा भाई, उसके बाद में यहां पे है सोडियम भी नहीं होगा, फिटकरी यहां पे सही होगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा। ठीक है, तो फिटकरी यहां पे हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला करते हैं, निम्न में से किसे पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है, किसे पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है। अब ए ऑप्शन है यहां पे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन नहीं होगा, सी ऑप्शन है सल्फर, सल्फर भी नहीं होगा, उसके बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, यहां पे है लोहा, लोहा इसका सही हो जाएगा। लोहा का दूसरा नाम क्या होता है, तो आयरन होता है, क्या होता है, आयरन होता है। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे पुलों, लोहे के जंगले और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है। अब ए ऑप्शन है यहां पे अपचयन, तो अपचयन नहीं होगा, अम्लता भी नहीं होगा भाई, ठीक है, उसके बाद में पुराना होना यह भी नहीं होगा, जंग, जंग बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। तो जंग के कारण लोहे से बनी वस्तु को नुकसान पहुंचाता है, लोहे के जंगले और लोहे से बने पुर्जे खुले छोड़ दिए जाते हैं, तो आयरन यानी लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उस पर आयरन ऑक्साइड का जमाव हो जाता है, जिससे धीरे धीरे लोहे का सरण होने लगता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं भाई, जंग लगना कहते हैं, क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंग रोधी इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है, कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। अब देखो भाई, ए ऑप्शन है यहां पे लोहा, बी ऑप्शन है टंगस्टन, सी ऑप्शन है क्रोमियम और डी ऑप्शन है यहां पे निकल। ठीक है, तो यहां पे स्टेनलेस स्टील यानी जंग रोधी इस्पात में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है, तो वो होता है भाई टंगस्टन, कौन सा होता है, टंगस्टन होता है, तो बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंग रोधी है,
स्टेनलेस स्टील किस कारणवश जंगरोधी है, बताओ भाई। अब ए ऑप्शन है यहां पे कार्बन, तो कार्बन नहीं होगा, वेनेडियम भी नहीं होगा और सल्फर भी नहीं होगा, यहां पे सही होगा भाई क्रोमियम हो जाएगा, डी ऑप्शन यहां पे सही होगा। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील क्रोमियम की उपस्थिति के कारण क्या होता है, जंगरोधी होता है। क्लियर है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है धातु ऑक्साइड बनाने के लिए किसकी बाप के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, किसके किसके बाप के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। अब ए ऑप्शन है यहां पे पोटेशियम, तो पोटेशियम इसका नहीं होगा भाई, कैल्शियम तो कैल्शियम भी इसका नहीं होगा, सोडियम भी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा हमारा आयरन हो जाएगा। आयरन का मतलब क्या होता है भाई, लोहा होता है। ठीक है, तो ऑक्साइड वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें एक से कम एक ऑक्सीजन परमाणु और कम से कम एक अन्य तत्व हो। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई, यहां पे डी ऑप्शन हो जाएगा। तो धातु ऑक्साइड बनाने के लिए आयरन यानी लोहा की बाप के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लेटिन से लिया गया है, इनमें से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लेटिन से लिया गया है, बताओ भाई। अब यहां पे ए ऑप्शन है यहां पे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम नहीं होगा, सी ऑप्शन है यहां पे कार्बन भी नहीं होगा और क्लोरीन भी नहीं होगा भाई, इसका सही आंसर कौन सा होगा हमारा, डी आंसर हो जाएगा, आयरन हो जाएगा। ठीक है, लोहा धरती में चौथा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। ठीक है, और पृथ्वी का क्रोड लोह धातु का बना है। ठीक है, और लोहा का परमाणु जो प्रतीक होता है इसका, वो क्या होता है भाई, इसका होता है Fe होता है, क्या होता है, Fe होता है, और लैटिन भाषा शब्द जो है इसे रूम से आया है भाई। ठीक है, और लोहा चार रूपों में पाया जाता है। ठीक है, जिसमें पहला होता है मैग्नेटाइट, कौन सा होता है भाई, मैग्नेटाइट। दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है हेमेटाइट, तीसरा कौन सा होता है, तीसरा होता है लिमोनाइट, कौन सा होता है भाई, लिमोनाइट। ठीक है, और चौथा कौन सा होता है, चौथा होता है सीडेराइट। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आयरन थर्ड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है, आयरन थर्ड ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है भाई Fe2O3 होता है, क्या होता है, Fe2O3 होता है। तो ये बताओ कौन से ऑप्शन में है, तो हमारे बी ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है भाई, बी ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है, अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है, किसका पूछा है भाई, फेरस सल्फेट का। ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, ये होता है Fe(SO4)7H2O। ठीक है, ये होता है भाई इसका, तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में है भाई, ये है सी ऑप्शन में, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन करेक्ट, और यह सफेद पीले और नीले हरे रंग का क्रिस्टल होता है, तो यहां पे सी ऑप्शन सही होगा। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन है जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होगा, तब क्या होता है। अब ए ऑप्शन है यहां पे केवल क्लोराइड तैयार होता है, तो नहीं भाई, बी ऑप्शन है
कोई अभिक्रिया नहीं होती है, तो यह भी नहीं होगा भाई। सी है हाइड्रोजन गैस और लोह क्लोराइड तैयार होता है, तो ये बिल्कुल सही है, केवल हाइड्रोजन गैस तैयार होता है, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस और लोह क्लोराइड तैयार होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है फेरस सल्फेट क्रिस्टल के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? कितने होते हैं? तो सात होते हैं भाई। कितने होते हैं? सात होते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? एफ ई एस ओ फोर, ठीक है, सेवन एच टू ओ, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा भाई? सेवन हो जाएंगे, यानी सात हो जाएंगे। सात हमारे डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? आयरन के वायु में उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है, तो बताओ भाई किसका होता है? अब देखो यहाँ पे एफ ई थ्री ओ टू, तो इसमें नहीं होगा भाई। उसके बाद में फिर है एफ ई ओ थ्री, इसमें भी नहीं होगा। यहाँ पे एफ ई टू ओ थ्री बिल्कुल सही होगा, और यहाँ पे एफ ई टू ओ, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर फेरिक ऑक्साइड बनता है। कौन सा बनता है? फेरिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसका संसारण एक गंभीर समस्या है? किसका संसारण एक गंभीर समस्या है, ठीक है, तो यहाँ पे एयू नहीं होगा, एएल भी नहीं होगा, ठीक है, और पीटी भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा एफ ई। क्या होगा भाई? एफ ई होगा, ठीक है। लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में रहने से लोहे जैसे कुछ धातुओं की सतह क्या होती है भाई? संसारित हो जाती है, ठीक है, और इसमें परिघटना को क्या कहते हैं? संसारण कहते हैं। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते यानी जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एफ ई। अगला करते हैं लोह जंग का रंग कैसा होता है? लोह जंग का रंग कैसा होता है भाई? ठीक है, तो लाल गरे नहीं होता है भाई, लाल भूरे रंग, लाल भूरे रंग होता है, लाल नीला नहीं होता है, और लाल पीला भी नहीं होता है, ठीक है, कौन सा होगा? लाल भूरे रंग का, ठीक है, तो लोहे में लगने वाली जंग का रंग कैसा होता है? लाल भूरा होता है। लोहे में जंग लगने का प्रमुख कारण आयरन ऑक्साइड होता है, जिसमें लोहे के अणु नमी युक्त ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला है फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होता है? किसका पूछा है भाई? फेरस क्लोराइड का पूछा है, तो इसका एफ ई सी एल टू होता है, बताओ भाई हमारे कौन सी ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। कौन सी ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, तो फेरस क्लोराइड एक क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक। क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? एफ ई सी एल टू होता है, ठीक है। फेरस क्लोराइड यौगिक में सार डालने पर फेरस हाइड्रोक्साइड का सफेद अवशेष प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पे हमारा
कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? बताओ भाई, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो यहाँ पे है वेनेडियम नहीं होगा, निकल भी नहीं होता है, मैग्नीज सही होगा इसका, क्रोमियम भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन हो जाएगा, मैग्नीज। ठीक है, इस्पात यानी जो स्टील होता है, इस्पात लोहा कार्बन तथा कुछ अन्य तत्वों जैसे क्रोमियम वेनेडियम और मैग्नीज आदि की मिश्र धातु होती है। इस्पात की कठोरता में वृद्धि के लिए उसमें मैग्नीज नामक तत्वों को मिलाया जाता है। ठीक है, और इस्पात में संसारण प्रतिरोधी गुण लाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा भाई? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,